एसबीआई जनरल ने भी अब अपना सुपर टॉपअप प्लान लॉन्च कर दिया है। पहले एक सुपर हेल्थ इंश्योरेंस नाम से पॉलिसी आती थी, उसमें एग्रीगेट डिडक्टेबल का ऑप्शन लगा के सुपर टॉपअप की तरह हम उसका यूज करते थे, लेकिन अब स्पेशली ओनली सुपर टॉपअप पॉलिसी है ये। सुपर टॉपअप का मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता रखा है सुपर टॉपअप कैसे काम करते हैं, एक बार हल्का सा बेसिक बता देता हूँ फटाफट से। तो अगर मान लीजिए आपने एक पॉलिसी लिया सुपर टॉपअप की 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड के साथ में, उसमें 5 लाख का डिडक्टेबल लगा दिया। 5 लाख डिडक्टेबल का मतलब हो गया कि 0 से 5 लाख तक का आपका अगर क्लेम आया हॉस्पिटल का तो कंपनी कुछ नहीं पे करेगी उसमें, लेकिन अगर उसके बाद 5 लाख 1 रुपए से लेकर अगले 1 करोड़ रुपए तक का, फिर 95 रुपीज का जो 95 लाख का जो क्लेम है वो कंपनी आपके क्लेम पास कर देगी उसका। तो यानी अगर आपके पास 5 लाख रुपए की कोई अलग से पॉलिसी है तो आप इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब जो बेस पॉलिसी आपने कोई 5 लाख के लिए रखी है तो आपके उससे शुरू के 5 लाख मिल जाएंगे, बाकी के 95 लाख ये दे देगी। लेकिन अगर आपके पास कोई शुरू की 5 लाख की पॉलिसी नहीं है तो 5 लाख आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे और बाकी के 95 लाख इससे मिल जाएंगे आपको। और ये 5 लाख का जो जो 5 लाख का जो क्राइटेरिया स्टार्टिंग का, वो साल में एक बार कंप्लीट करना होता है। इसका ये नहीं है कि आपका जब भी क्लेम आएगा, वो टॉपअप पॉलिसी होती है जिसके अंदर जब भी क्लेम आएगा तो शुरू के 5 लाख हर बार कटेंगे। लेकिन सुपर टॉपअप है, साल में एक बार आपके 5 लाख कटेंगे। एक बार आपकी सुपर टॉपअप की पॉलिसी ट्रिगर हो गई तो फिर आगे के जितना भी क्लेम आएगा, एक बार एडमिट हो या 10 बार एडमिट हो, आगे का फिर सारे क्लेम इससे मिलते चले जाएंगे। बस शुरू का एक बार आपको 5 लाख कंप्लीट करने हैं, उसके बाद सारे क्लेम इसी से पास। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट, इसके फीचर्स बता देता हूं आपको सुपर टॉपअप के। देखो इसमें बेस कवर भी है 11 जो बाय डिफॉल्ट आ रहे पॉलिसी के अंदर, और 16 ऑप्शनल कवर्स दे रखे हैं इन्होंने। सम इंश्योर्ड 5 लाख से लेकर 4 करोड़ तक का, यानी मिनिमम 5 लाख और 4 करोड़ रुपए तक का आप सुपर टॉपअप ले सकते हैं। तो ये काफी बड़ा दे रखा है 4 करोड़ तक का, और डिडक्टेबल भी काफी बड़ी नहीं दे रखी है। अभी तक मैंने डिडक्टेबल में एक चीज देखी थी कि अगर किसी के पास ऑलरेडी कोई मान लो 50 लाख की कोई पॉलिसी ऑलरेडी ले रखी है, वो कहता है कि मैं रेयर केस सिनेरियो के अंदर, अगर उसका कोई कभी कोई बड़ी बीमारी में बड़ा क्लेम आ गया, 2-3-4 करोड़ तक का केस चला गया, तो 50 लाख का डिडक्टेबल लगा के वो पॉलिसी लेना चाहे तो वो नहीं ले पा रहा था, क्योंकि डिडक्टेबल इतना अवेलेबल ही नहीं था पॉलिसीज में। 10 लाख या मैक्सिमम मैंने 20 लाख तक के देखे थे, उससे ऊपर नहीं थे। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर 2 करोड़ रुपए तक का भी आप डिडक्टेबल लगा सकते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी आप लगाए, अप टू 2 करोड़ तक का भी आप डिडक्टेबल लगा सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऑप्शन, यानी 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम पे करके आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और फ्लेक्सिबल प्लान, ये अब एग्रीगेट डिडक्टेबल के बाद जो आपका एनुअल, जैसे मैंने आपको बताया सुपर टॉपअप में हर साल एक बार डिडक्टेबल लगता है, उसके बाद जितने क्लेम आएंगे फिर कोई डिडक्शन नहीं आती, फिर आपको पूरे पूरे क्लेम पास करते हैं फिर ये लोग। तो अब इसके अंदर एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है एसबीआई ने जो पहली बार देखा गया, लॉन्ग टर्म एग्रीगेट डिडक्टेबल। ये आपको एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। लॉन्ग टर्म एग्रीगेट डिडक्टेबल में क्या होगा, अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 साल या 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा भरा इस पॉलिसी के अंदर, तो आपका जो डिडक्टेबल लगेगा, जो जैसे 5 लाख का आपको एग्जांपल बताया, आपका 5 लाख का एक बार डिडक्टेबल लगेगा और अगले 3 साल तक फिर आपके पूरे पूरे जो भी क्लेम है सारे पास होंगे 3 साल तक जितने भी आएंगे। लेकिन बस उसके अंदर एक कंडीशन रहेगी, अगर आप ये लॉन्ग टर्म एग्रीगेट डिडक्टेबल का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका लोडिंग लग जाएगी प्रीमियम के अंदर, क्योंकि फिर कंपनी को पता है हर साल थोड़ी डिडक्टेबल लगेगा, तो हर साल वो एक अगले 2 साल तक वो नॉर्मल पॉलिसी काम करेगी, तो इसलिए डिडक्टेबल की लोडिंग लगाती है। जैसे आपको मैंने टेबल दिखा रखी है, फर्स्ट वाली टेबल देखेगा इसमें, जैसे 2 लाख का अगर आपका डिडक्टेबल है तो आपके सेकेंड ईयर पे 20% की लोडिंग, तीसरे साल पे 30%, अगर 6 लाख या उससे ऊपर का डिडक्टेबल है कोई भी, 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ का कोई भी डिडक्टेबल है, तो सेकेंड ईयर पे 40% और थर्ड ईयर पे 50% की लोडिंग लगेगी। ये तो इस केस में हो गया, ये आप टेबल देख लीजिएगा पूरी डिटेल में। प्लस इन केस ऑफ रिन्यूअल, रिन्यूअल के केस में कैसे रहेगा, तो क्योंकि आपने फर्स्ट प्रीमियम अपना 3 साल का भरा है, तो आगे रिन्यूअल का भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा 3-3 साल का प्रीमियम भरने का। अगर आपने 2 साल का पहला प्रीमियम भरा है तो आगे आपको 2 साल का 3 साल का वो आप जैसे भी चाहे रिन्यूअल आप करा सकते हैं इकट्ठा 2-3 साल का प्रीमियम भर के, तो उसी हिसाब से आपको लोडिंग लगेगी फिर आगे प्रीमियम्स पे। तो जब भी आप प्रीमियम भरेंगे तो लोडिंग के साथ में आपको प्रीमियम पेमेंट होगी, वो जब आप पॉलिसी परचेज करेंगे तो आपको कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा कि आपका एक्चुअल प्रीमियम कितना बैठेगा। कोई इसमें क्वेश्चन आए या किसी और भी चीज में क्वेश्चन आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब ये ऐसे लिखा हुआ है, अब इसके फीचर्स बता देता हूँ फटाफट से। ये इन पेशेंट ट्रीटमेंट, जो हॉस्पिटल में आपका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलेगा, रूम रेंट वगैरह वो सब इसमें कवर रहेगा। सिंगल प्राइवेट रूम ही लेके चलेगा, डिलक्स के चक्कर मत पड़ेगा, कई बार दिक्कत आती है डिलक्स रूम के एक्सपेंसिस में। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन, जिस दिन एडमिट होंगे उससे 60 दिन पहले के खर्चे मिलेंगे। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन
जिस दिन डिस्चार्ज होंगे 90 और 180, जब पॉलिसी लेंगे तो उस टाइम ऑप्शन आएगा आपके पास, एक कस्टमाइज है, आप चाहे तो 6 महीने तक का भी आप कवरेज ले सकते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद के सारे खर्चे मिलेंगे, डॉक्टर की फीस हो गई, लैब टेस्ट हो गया, और दवाई, ये तीनों मिलेंगे। डे के ट्रीटमेंट की इनकी एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आप देख के आप जो भी आपके डे के होंगे वो सारे कवर रहेंगे। ऑर्गन डोनर जो ऑर्गन देने वाला, उसके सारे खर्चे आपको मिलेंगे। मॉडर्न ट्रीटमेंट आजकल जितने रोबोटिक सर्जरी वगैरह सब चल रही है वो सब कवर रहेंगे, आयुष ट्रीटमेंट कवर रहेगा सारा। डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है घर पे आपको एडमिट, आपके घर पे आपको एडमिट करता है और हॉस्पिटल के सारे सामान वगैरह सब वहीं पे आपके घर पे लगा देंगे, तो वो खर्चे भी आपको मिलेंगे। बस प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको एडमिट होना है, डायरेक्ट जाके एकदम से एडमिट नहीं हो सकते इसमें। रोड एम्बुलेंस 5,000 रुपये तक का आपको खर्चा मिलेगा एक एम्बुलेंस का, एक एड पर एडमिट। होम हेल्थ केयर अगर आप अपनी मर्जी से चाहते हैं कि मैं घर पे रहकर इलाज कराऊं तो आप इसके अंदर ऑप्शन ले सकते हैं, ये भी प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपनी से, उसके बाद आप ले सकते हैं। ये बाकी इसके टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा सा आप डिटेल में यहाँ चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। ऑप्शनल कवर सब कौन कौन से हैं, मेटर्निटी एक्सपेंसेस, अगर आप मेटर्निटी वाला लेना चाहते हैं तो आपको एक, या जब आप पॉलिसी ले तो मिनिमम आपके 5 लाख के डिडक्टेबल होना चाहिए पॉलिसी के अंदर, और 2 लाख रुपए तक का आपको मेटर्निटी एक्सपेंसेस का इसमें खर्चा मिल सकता है। ना 5 लाख का आपने डिडक्टेबल ले रखा है तो इसका मतलब आपकी पॉलिसी ट्रिगर होनी चाहिए। बहुतों को कंफ्यूजन रहता है कि मेटर्निटी का तो खर्चा इससे मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। आपको पहले कोई बीमारी लगी होनी चाहिए और उस आपका 5 लाख का ऑलरेडी खर्चा हो चुका होना चाहिए उसी साल में, तब आपकी, अगर एक बार ये पॉलिसी ट्रिगर हो गई, आपने एक बार भी इस पॉलिसी से कुछ 100 रुपए का 1 लाख रुपए का कोई भी क्लेम एक बार उठा लिया, ये पॉलिसी यानी ट्रिगर हो गई आपकी, उसके बाद मैटरनिटी का कोई भी केस आता है, चाइल्ड बॉर्न केस में या चाइल्ड टर्मिनेशन के केस में कोई भी केस हो सकता है, तो आपको अप टू 2 लाख रुपीज का खर्चा आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर वेटिंग पीरियड रहेगा मैटरनिटी में बाय डिफॉल्ट 36 मंथ्स, यानी 3 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। अगर आप चाहें तो इसको 12 मंथ्स भी कर सकते हैं, कस्टमाइज करके ऑप्शन आएंगे जिससे आपका बस प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन 1 साल का भी वेटिंग पीरियड हो सकता है। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, आपका ये पॉलिसी ट्रिगर होनी जरूरी है, शुरू का 5 लाख का आपका क्लेम हो जाना चाहिए, एक बार ये पॉलिसी ट्रिगर होगी उसके बाद ही आपका मेटर्निटी आपका क्लेम मिल सकता है। 18 से 45 साल तक की लेडी होनी चाहिए और अप टू 2 चाइल्ड, 2 बच्चों तक भी कवर मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। न्यू बॉर्न बेबी कवर आपको मिलेगा बच्चे, नए बच्चे के लिए, और लेकिन इसमें मदर का इंक्लूड होना जरूरी है, अगर मदर पॉलिसी के अंदर है तो ही ये न्यू बॉर्न का कवरेज रहेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 90 डेज तक का, यानी बच्चे के 3 महीने होने तक ये आपको कवरेज मिलेगी, इसके बच्चे के पूरे खर्चे मिलेंगे, क्योंकि 3 महीने बाद आप बच्चे को पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपको पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करना है बच्चे को और प्रीमियम पे करना है, फिर आपका बच्चा वो परमानेंट रहेगा इसमें। हॉस्पिटल डेली कैश, देखो इसमें अमाउंट तो नहीं लिखा, मैंने 2-3 जगह इसका सर्च किया लेकिन अमाउंट का पता नहीं लगा हॉस्पिटल डेली कैश का, लेकिन हॉस्पिटल डेली कैश जनरली एसबीआई की पॉलिसीज में देखा जाता है कि अप टू 4,000 रुपीज पर डे का दिया जाता है। यानी अगर मान लीजिए आप हॉस्पिटल में 10 दिन एडमिट रहे तो पर डे के हिसाब से आपको 4,000-4,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से एज ए कम्पनसेशन बेनिफिट। कोई बात नहीं, खर्चे पानी के ऐश करो। अब चाहे आप उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी डेली के 500 रुपए कमाता हो तो उसको 500 रुपए तक का ही उसका रखेंगे, नहीं आप जितना मर्जी, आप टू अगर 4,000 की लिमिट है तो 4,000 का आप ले लो और 4,000 आपके पर डे के पास होंगे। आईसीयू के केस में इसमें लिखा है, अगर आईसीयू में आप हॉस्पिटलाइज होते हैं जितने भी दिन आप हॉस्पिटल रहेंगे आईसीयू के अंदर, तो आपको डबल मिलेगा, यानी 4,000 का आपने ले रखा है तो 8,000 रुपये पर डे का आईसीयू का मिलेगा आपको। कंज्यूमेबल सारे कवर रहेंगे, जो ग्लव वगैरह आप मान के चले पर हॉस्पिटलाइजेशन ऑन एन एवरेज 15 से 20% के अराउंड इतने ये कंज्यूमेबल का खर्चा आता है, ग्लव कॉटन इंजेक्शन वगैरह इन सबका, तो वो आपको मिलेंगे, पैसे नहीं कटेंगे उसके। ग्लोबल कवर, वर्ल्ड वाइड आपको कवरेज मिलेगी, दुनिया में कहीं भी बीमार हो गए आप तो उसकी आपको कवरेज मिलेगी, लेकिन रीइंबर्समेंट रहेगा, ये कैशलेस नहीं होता वर्ल्ड वाइड में। पॉलिसीज में रेयरली कोई पॉलिसी मिलती है जो कैशलेस वाली है, मोस्टली सभी पॉलिसीज में रीइंबर्समेंट ही पाया जाता है। बस इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है या कोई लिस्टेड इलनेस है जो इन्होंने लिस्ट कर रखी है, आपको इंडिया में डिटेक्ट होनी चाहिए बीमारी, उसका आप बाहर जाके ट्रीटमेंट कराते तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप फॉरेन गए और एकदम से वहाँ पे बीमारी पकड़ में वहाँ इलाज गए, ऐसे नहीं होगा। कुछ चीज़ें ही आप पढ़ सकते हैं उनको, तो डिटेल्स में डिटेल्स दे रखी है यहाँ पे। रेडियो क्या है, नया ऑप्शन दे रखा है, ये अच्छा ऑप्शन है अगर, क्योंकि आपको पता है कई बार इमरजेंसी केस होता है, पेशेंट को लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो लोग एम्बुलेंस का वेट नहीं करते, लोग सीधे कैब करते हैं, कुछ करते हैं तो ले जाते हैं, तो आपके कोई भी रजिस्टर्ड कैब फैसिलिटी जैसे उबर ओला वगैरह कोई भी, आप अप टू 3,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिल जाएगा। बस बिल वगैरह जो भी आपको स्क्रीनशॉट शेयर करने पड़ेंगे कंपनी के साथ प्रिंट निकाल के क्लेम के टाइम पे, तो ये भी दे देंगे अप टू 3,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिल जाएंगे, चाहे पेशेंट को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से घर पे लेके आ रहे हैं, वो भी मिल जाएगा। एयर एम्बुलेंस,
अप टू 5 लाख रुपीज तक का मिल जाएगा यानी एम्बुलेंस, अगर आप किसी ऐसी जगह और इमरजेंसी केस है और या हॉस्पिटल कहीं पे दूर है दूसरे शहर में लेके जाना, तो उड़ा के ले जाएगा एरोप्लेन ऊपर से, तो अप टू 5 लाख रुपीज दे देंगे इसमें। रिकवरी बेनिफिट, अगर पेशेंट ठीक होता है किसी बीमारी से और बीमारी के बाद भी जैसे फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह की जरूरत पड़ती है कुछ पड़ती है, तो उसका भी एक रिकवरी बेनिफिट मिलेगा। बस उसमें कुछ शर्तें इन्होंने रखी हुई हैं, जैसे कम से कम 5 दिन का एडमिट होना जरूरी है हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद अगर डिस्चार्ज हो रहे हैं तभी ये रिकवरी बेनिफिट एक्टिवेट होगा, वो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो रिकवरी बेनिफिट मिलेगा, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं मिलेगा। पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ये भी क्योंकि ऑप्शनल है आप इसको ले सकते हैं, जो भी आपको 100% मिलेगा इसके अंदर। कई पॉलिसीज में इनमें लिमिट होती है कि एक्सीडेंटल डेथ के केस में 100% सम इंश्योर्ड दे देंगे जितना भी आपने रखा है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का सम इंश्योर, ये 1 करोड़ रुपए का सुपर टॉपअप ले रखा है और आपने 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ रखा है कि अगर एक्सीडेंट से कल को डेथ हुई तो 50 लाख रुपए आपको एक मुश्त मिल जाएंगे आपकी फैमिली को, तो वो हो गए। प्लस परमानेंट अगर हाथ पैर कट गए दोनों तीनों सारे, तो पूरे 100% तब भी देंगे, पूरे 50 लाख दे देंगे। पार्शियल डिसेबिलिटी का नहीं लिखा इसके अंदर, नहीं तो पार्शियल का भी होता है। अगला अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट, यानी जो भी आपको बार बार पॉलिसी रिचार्ज करते रहेंगे आपका सम इंश्योर्ड। बस ये ध्यान रखना पॉलिसी का फुल्ली एग्जॉस्ट होना जरूरी है, अगर 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी ले रखी है तो 1 करोड़ रुपए आपका पूरा खत्म होना जरूरी है 1-1 रुपया तक, उसके बाद ये रिस्टोरेशन एक्टिवेट होगा। लेकिन ये जो सुपर टॉपअप प्लान है लोग लेते हैं बड़े क्लेम के लिए, तो मेरा मानना है सबको बड़े उसके लिए लेनी चाहिए, बड़ा सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। तो रिस्टोरेशन का रेयरली कभी यूज होता है, जब इतना बड़ा सम इंश्योर्ड वो यूज नहीं हो पाता। रिडक्शन रूम रेंट, आप अगर रूम रेंट अगर कम करते हैं, सिंगल डिलक्स की जगह सिंगल प्राइवेट रूम लेते हैं या ट्विन शेयरिंग रूम लेते हैं, तो ये पॉलिसी खरीदने के टाइम पे टिक करते हैं तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड अगर आप कम करना चाहते हैं, बाई डिफॉल्ट तो 24 महीने का इनका प्री एग्जिस्टिंग वाला, अगर आप उसको 1 साल का करना चाहें, 1 साल बाद आपकी सारी बीमारियां कवर हो जाए, या फिर उसको आप बढ़ाना चाहें 36 महीने, अगर 12 महीने करेंगे तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, अगर 36 महीने बढ़ा देंगे प्री एग्जिस्टिंग तो प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसी तरह से मेटर्निटी वेटिंग पीरियड जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि बाई डिफॉल्ट तो 3 साल का रहेगा, और लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो आप इसको 1 साल तक का रिडक्शन ले सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं 48 महीने का, तो प्रीमियम कम ज्यादा उस हिसाब से होते रहेंगे। रिडक्शन स्पेसिफिक डिजीज, यानी जैसे आपको छोटी मोटी कोई हर्निया हो गया, स्टोन वगैरह की छोटी मोटी सर्जरी वगैरह हो गई इसी तरह की, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट 2 साल का रहेगा 24 महीने का, उसको आप 1 साल भी कर सकते हैं 12 महीने के लिए। वैल्यू एडेड ई ओपिनियन वगैरह ये कुछ खास नहीं होते हैं, डॉक्टर साहब ओपिनियन ले सकते हैं कंपनी के कि कस्टमर केयर पर फोन करके कि आप कहाँ पर इलाज करा सकते हैं, इस बीमारी का कैसे हो सकता है, आगे क्या करना चाहिए, तो वो सब हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी, बहुत रेयरली यूज होते हैं सब, इतना कोई खास काम का नहीं है। क्यूमुलेटिव बोनस ये एक ठीक फीचर है, देखो इसमें ये तो कम है परसेंटेज, अगर हम नो क्लेम बोनस है ये एक तरह का, जब आप कभी क्लेम नहीं लेते हैं तो आपका 10% अगले साल बोनस बढ़ा दिया जाता है, और इसके अंदर ये चीज दे रखी है कि आपका एक बार ये क्लेम ये बढ़ गया तो आपका क्यूमुलेटिव बोनस ये कम नहीं होगा, नहीं तो जिस साल क्लेम आता है तो अगले साल 10% घटा भी देते हैं, आज दिया है 10% क्लेम अगले साल करते हैं तो 10% घटा देते हैं नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी में, तो एक बार ये बढ़ गया तो बढ़ गया तो आपके अप टू 100%, यानी अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो अगर आपके 10 साल क्लेम फ्री रहे तो आपके 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाएगा 10 साल बाद ये सम इंश्योर्ड, और एक बार हो गया तो हो गया, वो कम नहीं होने वाला किसी भी हाल में, क्लेम लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बाय डिफॉल्ट वेटिंग पीरियड जो है वो दे रखे हैं, कौन कौन सी बीमारियां इसमें कवर नहीं है वो सारी लिस्ट इसमें दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। अब कौन कौन ले सकता है, मिनिमम एंट्री एज है 18 साल, 18 साल का कोई भी ले सकता है, और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, चाहे 100 साल का ले लें। सम इंश्योर्ड बताई दिया 5 लाख से 4 करोड़, बस बाकी ये सब नॉर्मल है सब चीज़ें। अब आपको प्रीमियम बता देता हूँ फटाफट से, एक बार प्रीमियम चार्ट दिखा देता हूँ, बेसिक है प्रीमियम चार्ट, मैंने 2 लाख रुपए का अगर आपने डिडक्टेबल लिया है और आपकी एज का स्लैब ये इनके इन बीच में कहीं आ रहा है और आपने सम इंश्योर्ड इनमें से कोई ले रखा है तो प्रीमियम ये बैठेंगे ये सारे। अब इसमें GST इंक्लूड नहीं है, GST ये देखिए लिखा ना एक्सक्लूडिंग GST, GST इंक्लूड करना पड़ेगा, जो भी सम ये अमाउंट लिखा है उसमें आप 18% 18% प्लस कर लेना, आपका एक्चुअल बन जाएगा 1-1 रुपया तक बिल्कुल सेम आएगा प्रीमियम में, ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रीमियम चार्ट है आज की डेट में। इसी तरह से 3 लाख का डिडक्टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो पॉज कर करके देख लेना कौन सा आपके स्लैब में आता है, आपके मतलब का कौन सा है। ये 5 लाख का डिडक्टेबल, ये 6 लाख का डिडक्टेबल, 7 लाख, जो जो ये लिखे हैं, आप ऐसा नहीं है कि जैसे ऊपर एक चीज आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए 2 लाख का डिडक्टेबल लगा के आप कहते हैं जी 1 करोड़ रुपए का ले लूं मैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर ऑप्शन है ही वो।
आपको अगर 1 करोड़ रुपए के आपको कवरेज चाहिए तो आपको मिनिमम 5 लाख का डिडक्टेबल आपको लेना पड़ेगा। देखो 5 लाख का ये और 95 लाख का ये सम इंश्योर्ड दे रखा है, यानी टोटल 1 करोड़ तो हो ही है। 5 लाख की आपकी दूसरी पॉलिसी होगी, 95 लाख इससे मिल जाएगा कवरेज। पॉलिसी भी ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 5 लाख की जो बेसिक पॉलिसी है वो SBI की होनी जरूरी है, किसी भी कंपनी का ले सकते हो। बाकी आप टॉपअप भी किसी, ये सुपर टॉपअप भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पॉज करके देख लीजिए, 7 लाख का, 7.5 लाख का डिडक्टेबल, 8 लाख का डिडक्टेबल ये है, 9 लाख का डिडक्टेबल, 10 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ये थोड़ा सा छोटा है गया, पच्चीस लाख का डिडक्टेबल, 30 लाख का डिडक्टेबल, 50 लाख के डिडक्टेबल पे 2.5 करोड़ तक के ऑप्शन खुल गए हैं। ये 75 लाख के डिडक्टेबल, 2.25 करोड़, ये 1 करोड़ का डिडक्टेबल है, तो 4 करोड़ तक की आप पॉलिसी इसमें इसमें ले सकते हैं। ये हाईएस्ट ऑप्शन है, 4 करोड़ का आपको सम इंश्योर्ड चाहिए तो 1 करोड़ का डिडक्टेबल ये है। लेकिन दूसरी तरफ 2 करोड़ का डिडक्टेबल लेते हैं तो मैक्सिमम आप 3 करोड़ का सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, यानी टोटल कवरेज आपको 5 करोड़ की मिल जाएगी। 2 करोड़ आप खुद से दो या दूसरी किसी पॉलिसी से दो और 3 करोड़ इससे मिल जाएगा आपको। तो यही है SBI जनरल का सुपर टॉपअप प्लान। अगर आपको जो भी प्लान अच्छा लगा, कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।